क्या आपको भी क्यूब निकालना कठिन लगता है? क्या आपको भी क्यूब निकालने से डर लगता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, किसी भी संख्या के क्यूब को हम सिर्फ एक ट्रिक से कितनी आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका QES टेक्निकल एकेडमी में, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी एट QES। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो कि आप उस ट्रिक की सहायता से किसी भी संख्या का क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक ट्रिक और सभी संख्याओं के क्यूब आपके सामने कुछ ही क्षण में, जी हां कुछ ही सेकंड में। तो देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं तो देख लेते हैं, यहां पर यदि मैं 15 यहां पर ले लेता हूं, 15 यानी कि 15 का क्यूब यदि हम करते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहां पर आप देखिए कि ये जो 5 है इसका क्यूब आपको यहां पर लिखना है, 1 है इसका क्यूब आपको यहां पर लिखना है, और दूसरे नंबर पर यहां पर आपको लिखना है पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है और दूसरी वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके आगे क्या लिखना है? दूसरी वाली संख्या का आपको स्क्वायर करना है और पहली वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, फिर उसके बाद इसको हम देख लेते हैं, 5 का क्यूब यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 125, 5 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। यहाँ देखें 1 स्क्वायर इंटू 5, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, बीच वाली जो संख्याएं हैं उनका करेंगे डबल। जी हाँ, डबल कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर यदि हम कर देते हैं, ये 25 का डबल हो जाएगा 50 और 5 का डबल हो जाएगा 10। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो 12 बचा ये इसका हो जाएगा कैरी ओवर, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कैरी ओवर ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। 5 और 2 7 हो जाता है, 7 यहाँ पर लिख लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो जाता है, 8 आपका आगे कैरी ओवर हो जाएगा, 8 यहाँ लिख लीजिए, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 आपका आगे कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 हो जाता है 3। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही, इतना ही आसान है ये क्यूब निकालना, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि एक और एग्जांपल लेकर के हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल और यहाँ पर ले लेते हैं, और ले लेता हूँ मैं संख्या जो है वो ले लिए मैंने 18। यदि आपको 18 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो 8 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 512, ठीक है। 1 का क्यूब करना है आपको, 1 का क्यूब आपको यहाँ पर लिखना है, 1 का क्यूब होता है आपका 1। अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, 8 का क्यूब आपका यहाँ पे हो जाएगा 512, 1 का क्यूब आपका यहाँ पे हो जाएगा। पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यहाँ लिख देंगे। अब दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करना है और पहली वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 2 64, 64 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। उसके बाद बीच वाली संख्या को कर देना है डबल, जी हाँ डबल, तो 64 का डबल करेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 12 128 हो जाएगा, 8 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 उतर आएगा, 2 हम यहाँ नीचे रख लेंगे। अब ये जो 51 आ गया, 51 को आगे कैरी कर देंगे, ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो 4 और 1 यहाँ पे देख सकते हो आप, 4 और 1 5, 5 और 8 कितना हो जाता है 13, 13 का आ जाएगा 3, हासिल होगा 1, वो आपका यहाँ लिख जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6 और 6 12 और 12 24, 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा कैरी ओवर, राइट, 24 आपका कैरी ओवर हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 हो गया पूरा, 4 आपका इधर कैरी ओवर हो जाएगा, 4 और 1 हो जाता है 5, जी हाँ 5 8 3 2, ये हो गया आपका 18 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं किस तरह से और हम आसानी से कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं और देखते हैं, यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 का क्यूब, आपको 25 का क्यूब करना है, ठीक है, 25 का क्यूब करना है, तो मैंने क्या बताया, पहली संख्या का क्यूब करके यहाँ लिखना है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब दूसरी संख्या का क्यूब करके इधर लिखना है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरे में गुणा करना है, 2 2 4 5 20 यहाँ लिख दीजिए, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या में गुणा करना है, 5 25 25 2 50, ठीक है, और सीधे सीधे इसको डबल करके लिख देना है, 50 का डबल होगा 100, 20 का डबल होगा 40, इसको हम क्या करेंगे सीधे सीधे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 5 यहाँ ले लेते हैं हम, 12 आपका इधर पूरा का पूरा, ये 12 जो है इधर कैरी आ जाएगा, तो 12 यहाँ लिख देते हैं,
ये जोड़ेंगे तो ये दो आ जाएगा, पांच और एक छह और दस कितना हो गया सोलह, सोलह आपका इधर कैरी हो जाएगा, पांच और एक छह और दस सोलह, सोलह आपका इधर कैरी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो छह आपका नीचे आ जाएगा, चार और दो छह और एक सात, सात आपका इधर कैरी चला जाएगा, सात आठ कितना हो जाता है पंद्रह हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ, 15625 ये आपका 25 का क्यूब हो गया। कितनी आसानी से, कितनी सेकंडों में हमने ये निकाल लिया। और भी बड़ी संख्या हम ले सकते हैं, तो देखते हैं एक और बड़ी संख्या हम यहाँ पर किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक और संख्या का हम यहाँ पर क्यूब देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया आपके लिए 55, 55 का क्यूब करना है आपको, तो इस पहली संख्या का क्यूब करके इधर लिखना है 125, 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो गया, 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ लिख देंगे अगले वाले का दूसरी संख्या का, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, पहले संख्या का स्क्वायर दूसरे के साथ गुणा, 25 × 125, यहाँ भी 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो 125 × 125 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका आप क्या करना है, डबल करना है, 125 का डबल करेंगे तो 250 हो जाएगा, 125 का डबल करेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर इसका क्या करना है, जोड़ देना है सीधे सीधे, यहाँ से पांच आपका आ जाएगा, 12 आपका कैरी चला जाएगा, 12 हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। पांच और दो हो जाता है सात, सात आपका यहाँ आ जाएगा, बाकी की इधर जितनी संख्या बच गई वो आपकी कैरी चली जाएगी। तो देखें कितनी हो गई, दो और एक तीन, दो और एक तीन और पांच आठ, दो और एक तीन 38, ठीक है। अब इसको जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे, आठ पांच 13, 13 का तीन हासिल लगा एक, ठीक है, वन। तीन और एक चार और दो छ, छ और पांच 11, 11 का एक हासिल एक, एक और एक दो और दो चार, ये हो गया 41, 41 हो गया। इसको सबको जोड़ के इसका कैरी इधर आ गया, पांच और एक छ, चार और दो छ और एक, ये आपका आंसर हो जाता है। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से, अभी हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या से शुरू करते हुए थोड़ी बड़ी संख्या की तरफ हम चले थे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, जो और हम थोड़ी सी बड़ी संख्या देख रहे हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि ये आपका 72 हमने ले लिया मान लीजिए, थोड़ी और बड़ी संख्या ले रहे हैं हम, धीरे धीरे करके बड़ी संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका भी हम इसी ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ी ही आसानी से। देखिए 2 का क्यूब करना है यहाँ लिखना है, 8 आ गया, 7 का क्यूब करना है यहाँ लिखना है, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है, 7 का क्यूब यहाँ लिख दिया। अब पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले के साथ गुणा, तो 7 × 7 = 49, 49 का 2 में गुणा करेंगे तो 98 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर दूसरे वाले का स्क्वायर 2 × 2 = 4 और पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 7 = 28, 28 आपका यहाँ आ गया। डबल कर दीजिए इसको, आप डबल करोगे तो 28 × 2 होते हैं 56 और 98 का आप डबल करोगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है, 196 हो जाएगा। इसको सबको जोड़ देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 ले लिया यहाँ पर, 8 × 6 = 14, 14 × 4 हासिल एक हो गया, 5, 2, 7 और 1, 8, 8 यहाँ आ गया, 8 × 8 = 16, 16 × 6 होते हैं कितने 22, 22 का 2 हासिल हो जाएगा 2, ठीक है। 9 × 2 = 11 ये हो गए, 11 × 19 हो जाते हैं आपके 30, 30 को हमने यहाँ लिख दिया, ये आपका उत्तर क्या आ गया 3, 4 × 3 = 7 और 3। जी हाँ, कितनी ही आसानी से हमने इसको ट्रिक को आसानी से सॉल्व कर लिया। जी हाँ, इसी ट्रिक से, एक ट्रिक से आप किसी भी संख्या का क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको नहीं कहना चाहिए कि क्यूब निकालने में डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसी ट्रिक मैंने आपको दी है जिससे आप 100 तक किसी भी संख्या का क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। और अगर हम 100 से ऊपर वाली संख्या की बात करें ना, जो 100 के आसपास है, जैसे 105 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, तो यहां तक के भी आप इससे क्यूब से, इस ट्रिक से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब करें, और इस ट्रिक के साथ, इस ट्रिक को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।